नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निश्याम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि खासकर लाइव स्ट्रीमिंग, मल्टी कैमरा प्रोडक्शन और वीडियो मिक्सिंग के लिए बहुत ही दमदार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RGB लिंक मिनी ISO वीडियो स्विचर के बारे में। RGB लिंक का ये वीडियो स्विचर इस तरह की पैकिंग में देखने में मिलता है। तो सबसे पहले करते हैं इसे ओपन। तो यहाँ पर हमें मिलता है एक पावर एडाप्टर जिसमें सी टाइप पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ एक सी टाइप केबल भी दी गई है जिसके दोनों एंड पर सी टाइप कनेक्टर दिए गए हैं। इसके अलावा इसके साथ एक USB केबल भी दी गई है जिसके दोनों एंड पर USB ए टाइप कनेक्टर दिए गए हैं। इसके अलावा इसके साथ एक ऑडियो केबल दी गई है जिसके एक एंड पर 3.5 mm का कनेक्टर है और दूसरे एंड पर फीमेल कनेक्टर दिए गए हैं। एक माइक का है और दूसरा हेडफोन का है। तो बॉक्स के अंदर हमें यही सारी एक्सेसरी देखने को मिलती है। इसके साथ आपको कोई भी HDMI केबल या SDI केबल नहीं मिलेगी। और ये है RGB लिंक मिनी ISO वीडियो स्विचर। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, इसकी क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लग रही है और इसकी कीमत है केवल 53,999 रुपीज। कहां से आप इसे परचेज कर सकते हो वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आपको RGB लिंक की बैंडिंग देखने को मिल जाती है। RGB लिंक मिनी ISO 3.5 इंच का यहां पर TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा इससे आप PTZ कैमरा को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहां पर हमें मिलती है एक जॉयस्टिक जिससे आप PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। एक TVR यहां पर दिया गया है, इससे आप कैमरे को डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बटन्स ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। इसमें आपको ऑडियो मिक्सिंग की सुविधा भी मिल जाती है, तो ऑडियो मिक्सिंग के लिए अलग से यहां पर सेक्शन दिया गया है। इसके अलावा इस वीडियो स्विचर में आपको 4 SDI इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हो 4 SDI इनपुट पोर्ट दिए गए हैं। इसके अलावा 4 HDMI पोर्ट यहां पर दिए गए हैं। HDMI के 4 पोर्ट दिए गए हैं और चारों पोर्ट 4K को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको एक HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है जो कि मल्टी व्यू पोर्ट है। डिवाइस के इस साइड भी कुछ कनेक्टिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। यहां पर ऑडियो इन का पोर्ट दिया गया है, ऑडियो आउट का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहां पर USB 2.0 का पोर्ट दिया गया है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपनी पेन ड्राइव लगा के। इसके अलावा यहां पर आपको दो और पोर्ट मिलते हैं। USB 3.0 का पोर्ट दिया गया है, इस पर आप अपना वेब कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आपको एक HDMI प्रोग्राम आउट का पोर्ट दिया गया है जिससे आप अपने मॉनिटर पर प्रोग्राम आउट को देख सकते हो। यहां पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, एक सी टाइप पोर्ट यहां पर दिया गया है, यानी आप अपने मोबाइल फोन के पावर एडाप्टर से भी इसे पावर दे सकते हो, पावर बैंक से भी आप इसे पावर दे सकते हो। इस वीडियो स्विचर से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, एक साथ 4 प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। वीडियो स्विचर के बैक साइड में ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप इसे ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर एंटी स्किड रबर लेग्स दी गई है जिससे अगर आप डेस्क के ऊपर रखकर इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं इसे कनेक्ट करके चेक करता हूं क्या क्या इसके फीचर्स, कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। RGB लिंक के इस वीडियो स्विचर के कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहां पर मैंने अपना एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगा दिया है, लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है। इसके अलावा 2 कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, एक ऊपर लगा हुआ और एक ये कैमरा यहां पर लगा हुआ है। और यहां पर हमारा पूरा व्यू भी आप देख सकते हैं। यहां पर प्रोग्राम आउट आ रहा है और यहां पर मल्टी व्यू आ रहा है। यहां पर जो 4 HDMI इनपुट पोर्ट दिए गए हैं ये 4K को सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले वाले 2 HDMI पोर्ट पर अपने 2 कैमरा कनेक्ट कर दिए हैं और जो मल्टी व्यू आउटपुट है ये मैंने अपने PC पर कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा इस साइड आप देखोगे तो यहां पर मैंने LAN केबल कनेक्ट कर रखी है, एक पेन ड्राइव यहां पर कनेक्ट कर दी है जिसमें रिकॉर्डिंग करके देखेंगे। इसके अलावा यहां पर जो प्रोग्राम आउट का एक HDMI पोर्ट है ये मैंने अपने एक्सटर्नल मॉनिटर पर कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा यहां पर एक USB 3.0 का पोर्ट भी दिया गया है, इस पर आप अपना वेब कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हो। तो RGB लिंक का ये वीडियो स्विचर बेसिकली 10 चैनल वीडियो स्विचर है क्योंकि 4 HDMI पोर्ट दिए गए हैं, 4 SDI पोर्ट यहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहां पर आप वेब कैमरा कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आपको इसमें NDI के थ्रू भी आप इसमें कैमरा वगैरह कनेक्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है यहां पर एक सी टाइप पोर्ट दिया गया है जिससे आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर से भी इसे पावर दे सकते हो। इसके अलावा पावर बैंक से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। सेटिंग के लिए एक नॉब दी गई है, मेनू का बटन दिया गया है, AV 2 बटन दिए गए हैं जो कि मल्टीलेयर को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है प्रीव्यू विंडो, ये है प्रोग्राम विंडो। नीचे आपके जो भी कैमरा कनेक्ट हो रखे होंगे उनका प्रीव्यू यहां पर शो हो जाएगा। 2 कैमरे हमारे यहां पर कनेक्ट हो रखे हैं तो दोनों यहां पर शो हो रहे हैं, तो ये सारे बटन यहां पर हो गए। उसके अलावा नीचे भी कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर ऊपर वाले ये बटन है, ये प्रोग्राम बटन है, यानी जो कैमरा यहां पर प्रोग्राम में शो हो रहा होगा तो वो यहां पर रेड कलर में शो होगा।
नीचे प्रीव्यू वाले बटन है, और आप अगर डायरेक्ट चेंज करना चाहो अपने कैमरे को तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यह कट का बटन है, ऑटो का बटन है, यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरह से भी स्विच कर सकते हो अपने कैमरे को। जैसे मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसके अलावा इस साइड भी आपको कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला बटन है, ये लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करने का बटन दिया गया है, और ये एक शॉर्टकट का बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जूम इन जूम आउट का एक बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑडियो के लिए बटन दिए गए हैं, यानी आप अलग अलग सोर्सेज के वॉल्यूम को यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ से माइक के वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हो और यहाँ से ऑडियो आउट को म्यूट कर सकते हो। इसके अलावा ऑडियो आउट के वॉल्यूम को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो और माइक के वॉल्यूम को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेनू का बटन दिया गया है, मेनू के बटन पर प्रेस करेंगे तो कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इसमें हमें टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। पहला ऑप्शन आ रहा है इनपुट का, यहाँ से आप इनपुट सेट कर सकते हो। मान लो पहला इनपुट है, इसे हमें सेट करना है तो इस बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा HDMI या SDI। अगर आपने SDI के थ्रू अपना कैमरा कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ से आप SDI सिलेक्ट कर लो, और HDMI के थ्रू कर रखा है तो HDMI सिलेक्ट कर लो। इसी तरह से सब इनपुट को आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इनपुट 5 आ रहा है। इनपुट 5 पर जब आप क्लिक करोगे तो इनपुट 5 पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपना वेब कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप NDI सोर्स के थ्रू भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बैकग्राउंड अगर आपको लगानी है तो यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से बैकग्राउंड को इनेबल कर दोगे और कोई भी इमेज लगानी है बैकग्राउंड में वो आप यहाँ से लगा सकते हो। इसके अलावा लोगो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हो। जैसे मेरा लोगो यहाँ पर है तो मैं इस तरह से लोगो वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं, आप भी लोगो लगा सकते हो। इनपुट के बाद दूसरा ऑप्शन आता है ऑडियो का। ऑडियो को ओपन करोगे, यहाँ से आप अलग अलग सोर्सेज की ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो। इसे मान लो मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मान लो इनपुट 1 पर आपको किस तरह का ऑडियो रखना है, मिक्स रखना है, AFB रखना है, या ऑडियो ऑफ करना है आपको पहले वाले इनपुट का, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसी तरह से सभी सोर्सेज के ऑडियो को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और तीसरा आ रहा है आउटपुट का। इस बटन पर प्रेस करोगे तो यहाँ से आप आउटपुट को सेट कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का, यहाँ से आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। किस क्वालिटी में आपको आउटपुट चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ से आप स्ट्रीमिंग की सेटिंग कर सकते हो, स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करना हो, बिटरेट सेट करना हो, मोड सेट करना हो। इस वीडियो स्विचर में आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यहाँ से आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल जो भी सिलेक्ट करना हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप रिकॉर्ड की सेटिंग कर सकते हो। यहाँ हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है, वो यहाँ पर शो हो रही है। जब भी आपको कुछ रिकॉर्ड करना हो तो सिंपल आपको रिकॉर्ड के बटन पर प्रेस कर देना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से आप इसे रिकॉर्डिंग को कॉन्फिगर कर सकते हो, कितनी स्पीड रखनी है, क्या रखनी है, वो यहाँ सेट कर सकते हो। आपको रिकॉर्डिंग करनी है, इस बटन को प्रेस कर दो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारी पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको इसका ड्यूरेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पर शो होता रहेगा। अब यहाँ पर रिकॉर्ड के बाद ऑप्शन आता है USB कैप्चर का। यहाँ पर आप USB कैप्चर को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोग्राम रखना है, TP रखना है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट को आप यहाँ सेट कर सकते हो। मान लो इस समय जो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट चल रहा है वो कुछ इस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब मान लो मैं ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट सेट कर देता हूँ तो हमारा सीन कुछ इस तरह से यहाँ पर स्विच होगा, आप देख सकते हो। तो स्विच हमारा इस तरह से हो रहा है। अब मान लो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ तो ये कुछ अब इस तरह का सीन हमारा हो जाएगा। की वाला ऑप्शन है, इसे जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप की सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्रोमा की, लूमा की का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद PTZ कैमरा का ऑप्शन आ जाता है, PTZ कैमरा भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेटिंग का, सेटिंग पर क्लिक करो। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर IP सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो तो यहाँ से आप IP सेटिंग कर सकते हो। अपनी लैन केबल के थ्रू यहाँ पर आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद DHCP वाले ऑप्शन को ओपन कर देना है, इनेबल कर देना है, तो ये अपने आप ही आपका IP एड्रेस ले लेगा। और इसमें जो IP एड्रेस आपको यहाँ शो हो रहा है ये आपको कहीं नोट कर लेना है, जिससे कि आप इसे डायरेक्ट लाइव कर सकते हो, यानी आप अपने PC से इसे कंट्रोल कर सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये जो IP एड्रेस के अंदर शो हो रहा है ये आपको अपने ब्राउज़र में जाके टाइप कर देना है, एंटर कर देना है, तो डिवाइस आपकी वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। जो इसमें आपने IP एड्रेस नोट किया था
उस आईपी एड्रेस को आपको अपने गूगल के ब्राउजर में टाइप कर देना है, एंटर कर देना है। आईपी एड्रेस जैसे ही हम यहाँ पर टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारी डिवाइस की पूरी डिटेल यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। मुझे वालों लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करना है। लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आउटपुट का ऑप्शन है, आउटपुट पर क्लिक कर दो और उसके बाद पुश फ्लो का एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4, यानी एक साथ आप 4 प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। जिस प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है उसका RTMP URL और आपको स्ट्रीम की यहां पर पेस्ट कर देनी है। क्योंकि लाइव कंट्रोल रूम से हमने RTMP URL और स्ट्रीम की ले ली और उसे मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद सिंपल आपको डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक कर देना, ये हमारा यहां पर सेव हो गया। तो ये हमारा RTMP URL और स्ट्रीम की हमारी डिवाइस में जाके सेव हो गई होगी। अब आपको लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है तो डिवाइस के ऊपर जो स्ट्रीम का बटन दिया गया है उसे प्रेस कर दो, या फिर यहां से भी आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। ऑन एयर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको हम इस साइड कर देंगे तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे ऑन एयर किया तो आप देख सकते हो ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का जो रेड कलर का बटन यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं आपको YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पे दिखाता हूँ हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर आप देख सकते हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक मल्टी कैमरा प्रोडक्शन सेटअप बनाना चाहते हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप बनाना चाहते हो तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, साथ ही साथ इसकी कीमत भी काफी कम है। इस समय आपको ये केवल 53,999 रुपीज मिल जाएगा। कहां से आप परचेज कर सकते हो वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।